अध्याय 8 त्रिकोणमिति अनुपात एवं सरसमिकाएं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो एंड आइडेंटिटीज। छत पर जाने की सीढ़ी का हर पायदान चढ़ने पर जमीन से हमारी ऊंचाई बढ़ती जाती है। चित्र को देखें। सीढ़ी के पहले पायदान पी पर जमीन से ऊंचाई पी ए है। इसी तरह दूसरे पायदान क्यू पर ऊंचाई क्यू बी, तीसरे पायदान आर पर आरसी तथा चौथे पायदान एस पर एसडी है। हर पायदान पर हम न सिर्फ ऊपर चढ़ते हैं बल्कि दीवार की तरफ आगे भी बढ़ते हैं। क्या हम जितना ऊपर चढ़ते हैं उतना ही आगे बढ़ते हैं? क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध है? आइए देखते हैं। यहाँ पी ए बटे ओ ए बराबर क्यू बी बटे ओ बी बराबर आर सी बटे ओ सी बराबर एस डी बटे ओ डी। हम जितना ऊपर चढ़ते हैं और जितना आगे बढ़ते हैं उनका अनुपात नहीं बदलता। अगर जहाँ चढ़ना है उसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा हो तो क्या करना होगा? सीढ़ी को कुछ आगे दीवार की ओर खसकाना होगा। चित्र में देखें। सीढ़ी का जमीन के तल के साथ बनने वाला कोण बढ़ जाएगा। अब खाने गिनकर बताएं कि क्या ऊपर की तरह दोनों दूरियों का अनुपात स्थिर है? पी वन ए वन बटे ओ वन ए वन बराबर क्यू वन बी वन बटे ओ वन बी वन बराबर आर वन सी वन बटे ओ वन सी वन बराबर एस वन डी वन बटे ओ वन डी वन। हम पाते हैं कि इसमें भी अनुपात स्थिर है, किंतु दूसरी स्थिति में अनुपात पहले से अधिक है, यानी जब सीढ़ी का जमीन के साथ बनने वाला कोण थीटा बढ़ा तो ऊपर चढ़ने और आगे बढ़ने वाली दूरियों में अनुपात भी बढ़ा। इस अनुपात को इस कोण का टेंजेंट कहा जाता है, यानी टेंजेंट थीटा बराबर पी ए बटे ओ ए बराबर क्यू बी बटा ओ बी और टेंजेंट थीटा वन बराबर पी वन ए वन बटे ओ वन ए वन बराबर क्यू वन बी वन बटे ओ वन बी वन। अन्य अनुपात। इन चित्रों में जमीन से ऊपर उठने, दीवार की ओर बढ़ने और इनसे संबंधित सीढ़ी के हिस्से को रेखाखंडों के रूप में देखें तो सीढ़ी के हर पायदान को शीर्ष बनाते हुए कई समकोण त्रिभुज दिखाई पड़ेंगे। इन त्रिभुजों में यदि सीढ़ी द्वारा जमीन की रेखा से बनाए गए कोण को थीटा से व्यक्त करें तो हर त्रिभुज में इस कोण के लिए ऊपर उठने की दूरी लंब, दीवार की ओर बढ़ी गई दूरी आधार तथा सीढ़ी का हिस्सा कर्ण होगा। ऊपर हमने पी ए बटे ओ ए को टेंजेंट थीटा कहा है। लंब और आधार के रूप में टेंजेंट थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसका मान चित्र के सभी त्रिभुजों में बराबर है। जब तक थीटा नहीं बदलता आधार व लंब का अनुपात भी नहीं बदलता। इस अनुपात टेंजेंट थीटा को संक्षेप में टेन थीटा कहते हैं। टेन थीटा बराबर पी ए बटे ओ ए बराबर क्यू बी बटे ओ बी बराबर आर सी बटे ओ सी। क्या इन रेखाखंडों से कोई और भी अनुपात बनेंगे? इन तीन दूरियों से कोई और स्थिर अनुपात भी बनेंगे? आइए लंब और कर्ण का अनुपात देखें। अनुपात बराबर पी ए बटे ओ पी क्यू बी बटे ओ क्यू आर सी बटे ओ आर। इसी तरह आधार और कर्ण का अनुपात ओ ए बटे ओ पी ओ बी बटे ओ क्यू ओ सी बटे ओ आर। क्या ये अनुपात भी स्थिर है? जांच कीजिए। कोण थीटा के लिए लंब व कर्ण के अनुपात को साइन थीटा, संक्षेप में साइन थीटा कहते हैं। साइन थीटा बराबर पी ए बटे ओ पी बराबर क्यू बी बटा ओ क्यू बराबर आर सी बटा ओ आर आदि। इसी तरह आधार और कर्ण के अनुपात को कोसाइन थीटा, संक्षेप में कॉस थीटा कहते हैं। कॉस थीटा बराबर ओ ए बटे ओ पी बराबर ओ बी बटा ओ क्यू बराबर ओ सी बटा ओ आर आदि। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आदि अनुपातों को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं।